हेलो एवरीवन वेलकम बैक ऑन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब आज के वीडियो में हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट इज नॉवेल ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंटेंट है जो कि हम डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है आप सभी एस्परेंट्स के लिए आप सभी व्यूअर्स के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे इस चैनल पे जब भी वीडियो और लाइव क्लासेस का सेशन हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए तो चलिए फ्रेंड वीडियो की बात करते हैं कि टॉपिक में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे आज के इस इम्पोर्टेंट द डेफिनेशन रिलेटेड टू दॉवेल इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके साथ ही साथ हम टाइप्स ऑफ नॉवेल का डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ नॉवेल है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नॉवल है जो कि हम इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड बॉक्स या नॉवेल्स लिखे गए हैं और हमारा होगा एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल नॉवेल लिखते वक्त किन किन एलिमेंट्स की जरूरत होती है किस किस एलिमेंट को फॉलो किया जाता है या उसका होना एक नॉवेल के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसका भी डिस्कशन आज के इस वीडियो में आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए होगा और बिना डिले किए हुए जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे नॉवेल व्हाट इज नॉवेल नॉवेल क्या है इसका डिस्कशन होगा तो नॉवेल क्या है ये बात कर लेते हैं नैरेटिव वर्क है प्रोज फिक्शन में लिखा जाता है किसी स्टोरी को बताते हुए किसी स्पेसिफिक ह्यूमन एक्सपीरियंस को बताते हुए ऐसा वर्क लिखा जाता है और साथ ही साथ इसमें कंसिडरेबल लेंथ भी होता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नॉवेल को हम डिफाइन करते हैं और नॉवेल क्या है उसके बारे में बात करते हैं नैरेटिव वर्क होता है जहाँ पे स्टोरीज जो होती हैं एक दूसरे से इंटर ट्विंगल्ड होती है मीन्स एक स्टोरी जो होती है वो दूसरी स्टोरी से इंटरकनेक्टेड होती है कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं उस स्टोरी में इन्वॉल्व होते हैं किसी प्रोज फिक्शन पे लिखा गया स्टोरी होता है और स्पेसिफिक ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में बताता है बट उसमें जो ह्यूमन एक्सपीरियंस जो होता है जो स्टोरी के फॉर्म में वो होता है वो फिक्शनल होता है इमेजिनरी होता है ठीक है इमेजिनेशन पे बेस्ड ऑन होता है उसमें बहुत थोड़ी बहुत सच्चाई होती है अदरवाइज पूरा का पूरा जो स्टोरी होता है वो फॉल्स होता है वो इमेजिनेशन पे बेस्ड ऑन होता है नोवेलिस्ट के तो ये एक कंसिडरेबल लेंथ पे लिखा गया प्रोज फिक्शन नेरेटिव वर्क है जो किसी स्टोरी को इमेजिनेशन के वे में इमेजिनेटिव स्टोरी को बताता है विथ का भी डिस्कशन हो रहा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक नॉवेल के लिए या नॉवेल जब हम डिफाइन करते हैं तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं उसके वो है पहला प्रोज स्टाइल दूसरे की बात करेंगे स्पेसिफिक लेंथ तीसरा क्या करेंगे हम फिक्शनल एंड सेमी फिक्शनल को सेम करते हैं इसके साथ ही साथ सब्जेक्ट मैटर ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक नॉवेल में होते हैं तो प्रोज स्टाइल में होता है इमेजिनेटिव वे में वो लिखा जाता है इमेजिनेटिव स्टोरी पे बेस्ड ऑन होता है लेंथ होती है उसकी एक प्रॉपर एक लेंथ में नॉवेल लिखा जाता है ये नहीं कि बहुत थोड़ी बहुत स्टोरी किसी कहीं आप घूमने गए उसकी स्टोरी को डाल दिया उसकी स्टोरी को एक वे में लिख दिया तो वो ट्रेबलॉग हो जाएगा मेमोयर हो जाएगा वो नॉवल नहीं कहलाएगा ठीक है वो आपका कहीं घूमने जा रहे हो आप तो उसको एक हम फिक्शनल नहीं नॉन फिक्शनल बोलेंगे वो ट्रू आपका इवेंट है ठीक है और साथ ही साथ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई के साथ साथ ऐसा इमेजिनेटिव वर्क जो होता है वो नॉवेलिस्ट लिखता है सब्जेक्ट मैटर जो होता है उसको पिक करता है सब्जेक्ट मैटर या तो किसी वो ऐसे टॉपिक पे बात करेगा जो कि थोड़े से प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स होते हैं किसी डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक की बात करेगा तो इस तरीके से ये नॉवेल लिखा जाता है आगे हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से ये वर्ड निकल के आया है नॉवेल तो नॉवेल कम्स फ्रॉम द इटालियन एंड लैटिन वर्ड नॉवेला नॉवेला से निकल के आया हुआ ये वर्ड नॉवेल है जिसको इंग्लिश में हम नॉवेल पढ़ते हैं इटालियन एंड लैटिन वर्ड नॉवेला जिसका क्या मतलब होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो वो होता है अ न्यू स्टोरी यस ये होता है एक नई कहानी नॉवेला का क्या मतलब हुआ नई कहानी तो इसीलिए नॉवलिस्ट जो वर्ग्स अपना लिखता है नॉवेलिस्ट जो नॉवेल लिखता है वो किसी नई इमेजिनेटिव स्टोरी को बताता हुआ अपने रीडर्स को बताते हुए उसको लिखता चला जाता है और वो एक थोड़े से लॉन्ग लेंथ में वो वॉक लिखा जाता है जिसको हम नॉवेल्स कहते हैं तो अभी आपको समझ में आ गया होगा इतना कि नॉवेल क्या है और किस वर्ड से निकल के आया हुआ है क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉवेल के ठीक है क्लियर है आगे चलें तो चलिए आगे चलते हैं आगे हम क्या बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल की ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किसी भी वर्क को लिखने के टाइम पे कुछ एलिमेंट्स की जरूरत होती है मीन कुछ तत्व जिसको हम बोलते हैं जैसे साइंस की लैंग्वेज में बोले तो एलिमेंट्स होगा कोई भी हम बनाते हैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे एलिमेंट्स की नीड होती है तो यहाँ पे नॉवेल में क्या क्या एलिमेंट्स की नीड होती है उसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहला हम जो बात करेंगे वो है हमारा प्लॉट प्लॉट क्या होता है मतलब कि एक स्पेसिफिक स्टोरी होती है जिसमें सब स्टोरीज कनेक्टेड होते हैं ठीक है थीके? एक स्टोरी दूसरे पूरा स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम प्लॉट बोलते हैं स्ट्रक्चर को हम प्लॉट बोलेंगे प्लॉट में आपके कैरेक्टर सेटिंग्स कॉन्फ्लिक्ट बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो यहाँ पे पूरा एक नॉवेल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड प्लॉट होल स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्क इज कॉल्ड प्लॉट ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टर की कैरेक्टर जो होता है किसी स्टोरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर एक स्टोरी को क्या देता है जीवन देता है उसको लाइव बनाता है लाइवली ठीक है ये आपका होता है कैरेक्टर कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कहीं फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं राउंड कैरेक्टर्स होते हैं कुछ कैरेक्टर्स आपके जो हीरो का रोल प्ले करते हैं कुछ होते हैं जो विलन कुछ कन्फ्लिक्शन क्रिएट करते हैं और कुछ एक स्टोरी को बहुत ही स्मूथली लेके चलते हैं टिल द एंड तो ये कैरेक्टर की बात हुई अगला हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फ्रेंड वो है हमारा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है आप समझते हो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा ओके okay? ठीक है तो ये है प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब हुआ प्रॉब्लम रिलेटेड चीजें जो कि स्टोरी में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई एक तरीके का आपका आ, ऐसा टेंशन क्रिएट करने वाला सीन है टेंशन क्रिएट करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोरी में इन्वॉल्व होते हैं दैट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एक स्टोरी को एक आपको स्मूदनेस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ स्टोरी में आपका जो होता है रीडर्स का जो होता है इंटरेस्ट बना रहता है ठीक है ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कॉन्फ्लिक्ट कैरेक्टर्स के बीच में होते हैं कुछ आपके जो ये स्पेसिफिक होता है स्टोरी में कन्फ्लिक्शन क्रिएट होती है कैरेक्टर्स के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन होती है कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है सो so दैट जो रीडर्स हैं उनको स्टोरी डलना लगे और वो एक इंटरेस्टिंग वे में उस स्टोरी या नॉवेल को वो पढ़ें ओके okay? अगला जो पार्ट है एलिमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे सेटिंग सेटिंग का क्या मतलब हुआ ये आपका प्लेस से रिलेटेड हुआ मीन्स किस जगह पे बेस्ड ऑन है किस कल्चर किस ट्रेडिशन से रिलेटेड सेटिंग को ने अपने नॉवेल को लिखने के लिए पिक करा हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है तो सेटिंग्स से हमारा मतलब है कि कब की स्टोरी को राइटर जो है नॉवेलिस्ट जो है वो बता रहा है इस स्टोरी में ठीक है किस टाइम ड्यूरेशन के बारे में वो बात कर रहा है नॉवेल में तो जैसे हम किसी वर्क के बारे में बात करेंगे अगर किसी नॉवेल जैसे आप हेनरी फील्डिंग की नॉवल देखो या चार्ल्स डिकेंस की पढ़ते हो तो आपको जो एक आता है जो स्टोरी पढ़ते हुए तो आपको क्या सबसे पहले माइंड में आता है कि ये राइटर्स या नोवेलिस्ट किसकी रिलेटेड स्टोरी लिखा है किसी लो लाइफ कैरेक्टर के बारे में स्टोरी लिखा है जो कि सप्रेस्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेड है कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में तो एक ऐसे कैरेक्टर को ऐसी सेटिंग पे बेस्ड ऑन चीजों को वो लिखता है किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में अगर, अगर हम क्या बात करते हैं जो कि विक्टोरिया नेरा में नॉवलिस्ट हैं हार्डी ने लिखा है डिकेंस ने लिखा है तो ऐसे नॉवलिस्ट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी नॉवेल्स लिखे हुए हैं साथ ही साथ साइंटिफिक जो आपका इन्वेंशन हुए हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो आया उसके बारे में भी बात की है आगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करेंगे वो है हमारा थीम थीम क्या होता है सब्जेक्ट मैटर होता है ठीक है सब्जेक्ट मैटर मीन्स इस नॉवेल की स्टोरी में कौन कौन से थीम्स इन्वॉल्व हैं किस किस सब्जेक्ट के बारे में राइटर ने नॉवेलिस्ट ने बात की है उसको हम थीम बोलते हैं ठीक है जैसे आप बात करोगे तो क्या वो किस स्टोरी को पिक किया हुआ है जैसे रेवोल्यूशन से रिलेटेड स्टोरी को इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड स्टोरी को पिक किया हुआ है तो उसके जो कुछ थीम्स होंगे कि वो होगा 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 जो कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या पड़ा है कॉमन पीपल पे इस बारे में कुछ ऐसी बातें होती हैं फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ में फिक्शनल स्टोरी के साथ में वो बात होती है इमेजिनेटिव वे में नॉवेलिस्ट उस स्टोरी को प्रेजेंट करते हुए ऐसे एलिमेंट्स के साथ में अपने नॉवेल को लिखता है ठीक है तो ये आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझ में आ गया ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है आपके लिए बेनिफिशियल होगा इसका आप एक स्क्रीन ले लीजिए सो दैट आपके लिए बेनिफिट दे ये आगे आप इसमें मैंने बता भी दिया है क्या क्या है आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉवेल की तो चलिए आपसे हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नॉवल का डिस्कशन कर लें कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ करेंगे बाकी जितने टाइप्स ऑफ का जो भी टाइप्स ऑफ नॉवेल्स की बात कर रहे थे कि नॉवेल का क्या क्या टाइप्स होता है कितने प्रकार के होते हैं नॉवेल्स उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और फ्यू नॉवेल्स मेजर नॉवेल्स के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं प्रोज रोमेंस नॉवेल दिस इज अ टाइप ऑफ नॉवेल जिसमें प्रोज रोमांस आप समझ रहे हो गे प्रोज रोमांटिक नॉवेल्स जो होती हैं जो कि लव स्टोरी या एक लाइट सब्जेक्ट मैटर पे लिखा होता है जिसमें किसी तरीके का कंफ्लिक्शन नहीं होता है रोमांस से रिलेटेड चीजों को यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है या उसके बारे में बात की जाती है नॉवेलिस्ट के थ्रू तो लव स्टोरी रिलेटेड चीजें होती हैं इसको हम और स्मूथ सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन होता है बहुत इजी गोइंग स्टोरी होती है इसकी ठीक है आगे है हमारा रियलिस्ट फिक्शन रियलिस्ट फिक्शन की बात करें तो ये आपके सेमी फिक्शनल नॉवेल्स होते हैं जो कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं नॉवेल्स में जो कि फैक्चुअल बेस्ड ऑन होते हैं ऐसे नॉवेल्स रियलिस्ट फिक्शन में आते हैं इसके साथ साथ अनदर जो पार्ट है टाइप्स ऑफ नॉवेल है जैसे गोथिक नॉवेल ग्लूमी सब्जेक्ट मैटर होता है एंड हॉरर बेस्ड इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हॉरर साथ ही साथ ऐसे कैशियल जो आपके डिस uh, एनवामेंट uh, के साथ में ऐसे नॉवेल्स लिखे जाते हैं पिकरेस्ट नॉवल की हम बात करते हैं तो पिकरेस्ट नॉवल में आप एक कैरेक्टर जो होता है वो लो लाइफ कैरेक्टर होता है और उसके साथ ही साथ वो एक जगह से दूसरी जगह अपने लाइवलीहुड की तलाश में रहता है सर्च में रहता है अपने फूड के अपने जो लाइफ होती है उसको अपना जीवन वो व्यतीत करने के उसमें रहता है कि एक जगह से दूसरी जगह घूम करके वो अपनी लाइफ को स्पेंड करता है और उस एक जगह से दूसरी जगह घूमने के चक्कर में उसको ऐसी सिचुएशंस उसको फेस करनी पड़ती हैं। अगला है हमारा एपेस्टोलरी नॉवल एपेस्ट्री नॉवेल्स जो होते हैं वो लेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं लेटर फॉर्म में लिखे जाते हैं ऐसे नॉवेल्स और रिचर्डसन का पामेला पामिला इज द वेरी फाइन एग्जाम्पल वी हैव रिलेटेड टू दस्ट्रोलरी नॉवेल अगला है हमारा डोमेस्टिक नॉवेल की बात करते हैं डोमेस्टिक सब्जेक्ट मैटर पे मीन मिडिल क्लास फैमिली पे बेस्ड ऑन उनकी लाइफ उनकी रूटीन को फॉलो करते हुए ऐसे नॉवेल्स लिखे जाते हैं उनकी डेली लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको एक्सप्रेस करते हुए या उसको एक तरीके से डिफाइन करते हुए ऐसे नॉवेल्स लिखे जाते हैं मिडिल क्लास फैमिली पे बेस्ड ऑन होता है और इसका फाइन एग्जाम्पल हमारे पास है जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स हम देखते हैं जो कि रोमांटिक एरा में इन्होंने लिखा हुआ है ग्रेट नॉवलिस्ट हैं जेन ऑस्टिन साथ ही साथ अनदर पार्ट या टाइप्स ऑफ नॉवेल की बात करेंगे रीजनल नॉवेल सेटिंग जो होती है इनकी किसी ऐसे एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिक प्लेस के बारे में यहाँ पे बात होगी इस तरीके के रीजनल नॉवेल्स में जिनके ट्रेडिशन उनके कल्चर उनकी बॉडी लैंग्वेज वहाँ के लोगों की बॉडी लैंग्वेज वहाँ का जो एक तरीके का एनवायरमेंट है लिविंग एनवायरमेंट है उसको एक तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए ऐसे नॉवेल्स लिखे जाते हैं रीजनल नॉवेल और रीजनल नॉवेल्स की बात करें तो आर के नारायण वी हैव आप जानते हो गए एंड साथ ही साथ हार्डी थॉमस हार्डी वेसेक्स नॉवलिस्ट जाने जाते हैं ये नॉवलिस्ट जो हैं वो रीजनल नॉवलिस्ट के नेम से जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने एक स्पेसिफिक सेटिंग या वहीं के कल्चर वहीं के आर्ट ट्रेडिशन और उनकी बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करते हुए उनके कैरेक्टर्स को अपने नॉवेल्स में इंक्लूड किया हुआ है इवन ये जो सेटिंग होती है ऐसी जगहों की वो फिक्शनल सेटिंग्स होती हैं कोई वो रियल प्लेस नहीं होता है ठीक है ये भी ध्यान दीजिएगा आप सभी इसको ये मत सोचिएगा कि अगर ये किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किसी जगह पे अवेलेबल होगा वो सेमी फिक्शनल हो सकता है बट वो मोस्टली जो होते हैं वो फिक्शनल होते हैं इमेजिनेटिव सेटिंग अपने माइंड में नॉवलिस्ट क्रिएट करता है और उसके आर्ट कल्चर को लोगों को बनाता है जैसे आप मालगुड़ी डेज देखते हो मालगुड़ी डेज देख आपने देखा होगा टीवी में मालगुड़ी डेज में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स वो क्रिएट करता है जो आर के नारायण जो नॉवलिस्ट हैं वो किसी स्पेसिफिक जगह का नहीं है बट एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर उसका प्लेस लिया और वहाँ के आर्ट कल्चर और उसकी ट्रेडिशन साथ ही साथ उनके जो बॉडी लैंग्वेज है और उनकी जो डे टू डे लाइफ है उसको बताते हुए ऐसे नॉवेल्स उन्होंने लिखे हुए हैं हिस्टोरिकल नॉवेल्स की बात करें तो जो इवेंट्स होते हैं पास्ट इवेंट्स के बारे में कोई तो बात होती है ऐसे नॉवेल्स में आपको थोड़े बहुत इस तरीके के नॉवेल्स में आपको फैक्चुअल बेस्ड चीजें देखने को मिल सकती हैं अगर इस नॉवेल की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं तो डिकेंस का नॉवेल जो है अ टेल ऑफ टू सिटीज ये हम हाँ बहुत फाइन एग्जांपल है अ टेल ऑफ टू सिटीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप जो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे रिटर्न वे में प्रेजेंट कर रही हूँ आप सभी के लिए तो हिस्टोरिकल नॉवेल की बात की पास्ट इवेंट्स पे पास्ट जो है फैक्ल चीजें हैं हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड चीजों को लिखा लिखता है जो तो डिकेंस का ऑफ टू सिटीज जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की सिचुएशन को बताया गया है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज ट्रू इवेंट ये सही इवेंट है ये हुआ है आपका तो उस वो थोड़ा सा आपका सेमी फिक्शनल नॉवेल इसको हम बोल सकते हैं अलग है हमारा जो अनदर पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ नॉवेल्स की बात करें साइकोलॉजिकल नॉवेल साइकोलॉजी या एक चीजों को लिखा जाता है जो इनर थॉट्स को फीलिंग्स को बताते हुए या इनर जो साइकोलॉजी होती है ह्यूमन बीइंग्स की उसको बताते हुए जेम्स चॉइसी का आप इज द फाइन एग्जाम्पल रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल नॉवेल यहाँ पे है सटेकल नॉवेल्स में जो किसी ट्रेडिशन या जो वहाँ के लोगों का सेटराइज किया जाता है उनके कल्चर आर्ट या उनके लिविंग स्टाइल को सेटराइज करते हुए सो दैट थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स हो सके ऐसे नॉवेल्स जो होते हैं सटारिकल नॉवेल्स में काउंट होते हैं जहाँ पे उपहास किया जाता है व्यंग किया जाता है वो नॉवेल्स सटारिकल नॉवेल की कैटेगरी में आते हैं तो फ्रेंड्स ये चीजें पूरी क्लियर हो गई हैं आप इसका एक बार एक स्क्रीन ले लीजिए और ऐसे नॉवेल्स को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे जैसे गोथिक नॉवल के बारे में बात करेंगे डोमेस्टिक रीजनल नॉवेल्स स्टोरिकल नॉवल्स साइकोलॉजिकल नॉवेल्स कुछ ऐसे नॉवल्स को हम अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे उससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट डिटेल वीडियो होगा कौन कौन से नॉवलिस्ट ने किस किन नॉवल्स को लिखा हुआ है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ऐसे नॉवेल्स के के लिए तो वो सब कुछ हम बाद में में डिस्कस करेंगे अपने सेपरेट वीडियो में। तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसके साथ ही साथ लाइव क्लास के लिए आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहो सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करो और यहाँ पे आपको जो वीडियो दिख रहा होगा इधर लिंक उसका दिख रहा होगा फोटो उसकी दिख रही होगी यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा थंबनेल जरूर इस वीडियो के लिंक को क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लाइव क्लास का सेशन था हमारा जिसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा इसके साथ ही साथ आई बटन और डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का जरूर चेक कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक आपको मिलेंगे चलिए आप सभी से हम दोबारा मिलेंगे अपने नए एक टॉपिक के साथ इस चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी खुश रहो और अब नेक्स्ट सेशन के लिए हम आपसे जल्द ही मिलेंगे थैंक यू वेरी मच सभी का धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए इस वीडियो को वॉच आउट करने के लिए